नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को मोती झरना के बारे में कुछ जानकारियां शेयर करने वाला हूं, जो कि झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित है। ये साहिबगंज जिले के सबसे प्रसिद्ध झरना में से एक है। बरसात के मौसम में मोती झरना की खूबसूरती देखते ही बनती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरने के आसपास लगे केले के पत्ते और आसपास की हरियाली और इस मोती झरना की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ये झरना राजमहल नामक पहाड़ियों से तीन भागों में विभाजित होकर गिरता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 से 60 मीटर है। इस झरने का नाम झरने के पास मोतीनाथ शिवजी के नाम पर रखा गया है। मोती झरना का दृश्य मौसम के अनुसार बदल जाता है। इस झरने को देखने आने का समय मानसून का मौसम है। बरसात में इनमें काफी ज्यादा पानी गिरता है, जो दूर से देखने में बहुत ही शानदार दिखाई देता है। और इस स्थल पर प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं और आनंद उठाते हैं। मोती झरना की खास विशेषता की बात करें तो सालों भर ऊंची पहाड़ों से झरना का पानी तीव्र गति से गिरता है। सैलानियों का कहना है कि मोती झरना प्राकृतिक की गोद में समाया हुआ है और इस मोती झरना की दूरी लगभग साहिबगंज रेलवे स्टेशन से 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा।